आवारा साधु का यहाँ एक शॉप बना हुआ है, उसका कल जो है हमारी मामी को यहाँ पर धार के मार दिया और राह चलते हुए उसको काफी परेशान। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आवारा जानवरों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आवारा जानवर राहगीरों को चोटिल भी कर रहे हैं, जिस कारण लोगों का पैदल चलना दूभर होता जा रहा है। यहां बता दें कि हाल के दिनों में नगर क्षेत्र में आवारा जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिस कारण राहगीरों के साथ साथ व्यापारियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों की दुकानों में भी जानवरों द्वारा नुकसान किया जा रहा है, साथ ही लोगों की खेती भी उजाड़ रहे हैं। बीते दिनों में कई राहगीर आवारा जानवरों के हमले में घायल हो चुके हैं। गत दिवस ही एक वृद्ध महिला को आवारा जानवर ने हमला कर घायल कर दिया, उन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती किया गया। आवारा सांडों का यहाँ एक शॉप बना हुआ है, उसका कल जो है हमारी मामी को यहाँ पर सांड ने मार दिया और राह चलते हुए लोगों को काफ़ी परेशान करा। और यहाँ पर के जो दुकानदार हैं, सबसे ज़्यादा उनकी दुकानदारी ख़राब हो रही, क्योंकि ग्राहक जब उनके दुकान के वहाँ पर आता है तो ये जो हैं दौड़ लगा कर आते हैं और लोगों को घायल करके चले जाते हैं। जिला अस्पताल कहता है कि हर दिन यहाँ जो है 3 या 4 केस जो है आवारा पशुओं के घायल होने के आ रहे हैं। और हम तो प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि इससे जो है व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और लोग भी घायल हो रहे हैं, तो कल जो है कोई जनहानि न हो जाए इसके लिए आप जो है तुरंत शहर से इन आवारा सांडों को बाहर ले जाने की कृपा करें और कोई इनकी जो भी उचित व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को करें। और मैं पुनः प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जो है इन्हें शहर से बाहर ले जाने का कष्ट लें। नागरिकों ने नगर पालिका से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए आवारा जानवरों को गौसदन भेजने की मांग की है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।